वेलकम टू गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जिसे मैंने दिखाया था, अच्छे दाम का ये एरिया जो ये नया हाईवे बन रहा है, ये इसके काम के बारे में बताया था कि देखिए काम कितनी चीज चल रहा है, कितने सारे अपडेट्स हो रहे हैं। 24 आवर्स यहाँ पर काम चलते रहता है इस हाईवे के लिए। देख सकते हैं अभी मैं इस फ्लाईओवर पर हूँ। यहाँ से ये हाईवे जो सीधा गीता कॉलोनी होते हुए आपका दिल्ली सहारनपुर को जाएगी, उसी हाईवे का अपडेट चाहिए। देख सकते हैं कितना प्यारा है। इतना सारा एरिया इन्होंने कवर कर रखा है, बन के अपडेट्स रेडी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए वेदर कितना अच्छा हो रहा है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत वेदर है। आज दिल्ली में काफ़ी ठंड है, आज देख सकते हैं। और टाइम हो रहा है सुबह के 7:25 और ये देख सकते हैं कितना प्यारा वेदर है। ये देखिए धुंध, कितनी प्यारी धुंध है इस साइड में। ये देखिए, ये हमारे देश का तिरंगा। आप देख सकते हैं ये अब ये जो हाईवे का जो पुल है उसका काम कंप्लीट हो गया है। इस पर अब स्लैब ढाला जा रहा है, देख सकते हैं। ये सामने से मेट्रो आती हुई जो ब्लू लाइन मेट्रो है, जो नोएडा को जा रही है, यमुना बैंक से आ रही है मेट्रो, देख सकते हैं। ये इसके नीचे से अंडरपास है, इसके ऊपर से ये बनाया जा रहा है। सामने आगे रेलवे का ट्रैक है, उसके ऊपर से ये बनता हुआ दिख रहा है। ये हाईवे आपका कितना प्यारा लग रहा है। ये हाईवे जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो और इस एरिए को सोचने चार चांद लग जाएगा। ठीक है भाई लोग, सुबह सुबह मेहनत करते हुए काम करते हुए दिख रहे हैं, उनकी मेहनत उनकी जज्बे के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इतना प्यारा लुक आता हो हाईवे का। ये नीचे अंडरपास है लोग, यहाँ से गाड़ी यूटर्न होती है और सीधा है नोएडा को, मदर डेयरी को, मंडावली को जाती है रास्ता, पांडा नगर को रास्ता आती है रास्ता। देख सकते हैं सामने ये रेलवे ट्रैक है, तेज राजधानी आते हुए जो नई दिल्ली को जा रही है। देख सकते हैं आप ये कंस्ट्रक्शन का वर्क, इतना प्यारा लग रहा है लुक। कितना सारा काम इन्होंने कवर कर रखा है, हालांकि बहुत तेज़ी से ये काम होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ये चलते हुए सारी कवर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप उससे अच्छी तरह डिटेलिंग समझ पाएँ कितनी बेहतरीन ढंग से ये काम कर रहे हैं, कितनी कृषि के साथ काम कर रहे हैं, फाइन के साथ ही काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, नीचे पानी की टंकी रखी हुई है, निर्माण में पानी की जरूरत पड़ती है, कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, रॉक की जरूरत पड़ती है, लेबर जो करती है। देख सकते हैं कितने तरीके से बनाया जा रहा है,
मैं आपको पूरी ये वॉक करके कवर दिखाऊंगा। ये फ्लाईओवर से नीचे का जो एरिया है पूरा, ये कैसे बन रहा है, कैसे काम चल रहा है, बिल्कुल आपको दिखाऊंगा इस एरिया में कहां तक वर्क हुआ है। देख सकते हैं आप, और इसके बाद उसकी ढलाई होगी। लैब तैयार हो जाएगा स्लैब इसके ऊपर, उसके बाद आगे का कार्य को अंजाम दिया जाएगा स्लैब वाले काम के लिए। देख सकते हैं ये देखिए कितनी तगड़ी धुंध है यहाँ पे, बिल्कुल ये यमुना के एरिया को जो इतनी सारी धुंध है, देख सकते कितनी सारी धुंध है यहाँ पे। आज मौसम बाकी बहुत ठंडा हो रखा है, अभी दो दिन पहले बिल्कुल ठंडी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो गर्मी के दिन आ गया हो। जैसे होली से पहले जो मार्च के समय जो दिन होता ठंड का, हल्की ठंड होती है, गर्मी महसूस करते हैं लोग, वैसे ही वेदर हो रखा था। लेकिन सडनली फिर देख रहा हूँ, कल से हवा चल रही थी और आज सडनली देख रहा हूँ कि आज फिर से वेदर चेंज हो गया है और ठंड फिर से हो गई जगह में। ये देखिए सामने रास्ता जो सीधा गीता कॉलोनी पर जा रही है, गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, खजूरी, उसके बाद लोनी, सहारनपुर होते हुए ये हाईवे जाएगी बन के। देखिए अभी यहाँ पे इस तरह का इतना सारा काम अभी हो रखा है हाईवे का। इस ये बिल्कुल ये खाली जगह था, देख सकते हैं ये दिल्ली जल बोर्ड का पाइप भी है, फिर साथ में ये यहाँ पे से जगह को मिट्टी भर के ढाला जा रहा है, और ढालने के बाद फिर मिट्टी भर के इसे रास्ते को चौड़ा किया जाएगा। ऐसे ही रास्ता आज पीछे से भी बिल्कुल खाली जगह को भर के साइड स्लैब दे के ढाल के बनाया गया है। पीछे का रास्ता भी देख सकते हैं ऐसे फिर रास्ता चौड़ा किया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डेवलप जगह था है। और यहाँ पर से एक नया हाईवे निकालना मैंने पहले ही बताया वो चैलेंजिंग था, और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए इस तरह के वर्क को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, और मैं फिर से एक बार बोलूँगा तारीफ़ है NHAI की, जिन्होंने बखूबी इस तरह का काम का अंजाम दिया हुआ है। देख सकते हैं इस तरह का पूरा अपडेट्स है। तो मॉर्निंग वॉक पर टहलने बड़ा मज़ा आ रहा है इस ठंड में, इसमें लोग दिल्ली तो कभी सोती नहीं है, दिन और रात तो चलते रहती है। आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग ही दिल्ली चलनी शुरू हो गई है, देख सकते हैं। तो अभी ये जो है अक्षरधाम से आगे जो आगे जो फ्लाईओवर है जो सीधा अभी जो गीता कॉलोनी को जा रही है, अब इस फ्लाईओवर के हम नीचे उतर रहे हैं, और देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे इतना दूर ही यहाँ का वर्क अभी किया गया है। ठीक है, इसे कंप्लीट करने के बाद फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि मैं शास्त्री पार्क, आपकी लोनी, आपका खजूरी, ये सारे एरिया को मैं कवर किया हूँ, तो देख सकता हूँ वहाँ जितना डेवलपमेंट हुआ, काम हुआ है, अभी उस हिसाब से यहाँ पर उतना सारा वर्क नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर ऑलरेडी जो है बहुत कंजेस्टेड जगह था। यहाँ से मैंने पहले बताया कि हाईवे निकालना बहुत मुश्किल था, इस वजह से यहाँ पे सर जो काम बहुत अभी स्लो है, धीमा है। देख सकते हैं कि जो कहीं दूर से ये सारे जो देख रहे हैं मिट्टी कचड़े इलाके से फिलअप किया जा रहा है, ताकि उसके बाद फिर उस पर ढाल के से फिर एक नया रास्ता तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक एक छोटी सी अपडेट थी, अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है मुझे, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ टेक केयर। दोस्तों मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये है लोनी का पावी पुस्ता, और आप देख रहे हैं ये सामने जो ये
ड्राइवर बनता हुआ दिख रहे हैं। ये एक्चुअली ये 709B हाईवे है जो अक्षरधाम से होता हुआ देहरादून को जाएगी। देख सकते हैं ये ड्राइवर के निर्माण के रूप से यहाँ पे आए दिन हर दिन ऐसे ही जाम लगी रहती है। ये जो हाईवे है इसे मार्च 2024 तक से कंप्लीट होना है। पहले इसका जो डेट दिया गया था मार्च और अप्रैल 2024 दिया गया था, लेकिन उसके बाद मुझे मार्च किया गया, उसके बाद बना के फरवरी 2024 किया गया है, क्योंकि एक्सेस होने हैं सवारी, उस वजह से इसे बहुत जल्दी कंप्लीट करने का टारगेट दिया गया है। और ये जब हाईवे जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे का रह जाएगी। और सबसे बड़ी खासियत इस हाईवे की है कि 6 लेन हाईवे है और आप देख सकते हैं ये हाईवे सिर्फ सिंगल पिलर पे ही बना हुआ है। देख सकते हैं ये सिर्फ सिंगल पिलर पे बना हुआ है 6 लेन हाईवे, और इसके लिए सर्विस लेन छोड़ी गई दोनों साइड, वो भी 6 लेन की छोड़ी गई है ना। देख लीजिए कहलाता है ये अक्षरधाम से लोनी तक जो है इस एरिया पे ये पिलर पर रहेगा, बाकी एलिवेटेड रोड है, बाकी उसके अलावा ये पूरा पिलर पे ही जाएगा। आगे सांवली होते हुए सहारनपुर होते हुए ये सीधा देहरादून को जाएगी। ये देख रहे हैं पार्क का।